हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ डीसी मशीन। ओके, और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर एंड इंडक्शन मोटर। लिस्ट 2 में दिया हुआ है सर्कल डायग्राम, वी कर्व, ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि OCC एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम लिस्ट 2 में दिए हुए चारों ग्राफ के बारे में देखते हैं, उसके बाद लिस्ट 1 में दिए हुए मशीन्स के साथ इसको रिलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन गिवेन इज सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम किस केस में ड्रॉ होता है? एक सिंक्रोनस मोटर में और दूसरा इंडक्शन मोटर में। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के केस में ये थ्री फेज है। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के केस में हम ड्रॉ करते हैं सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम क्या होता है? इट इज लोकस ऑफ टिप ऑफ करंट फेजर। दूसरा ग्राफ देखते हैं, सेकेंड नंबर पे जो गिवन है दैट इज वी कर्व। वी कर्व ड्रॉ किया जाता है बिटवीन आर्मेचर करंट एंड एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यानी कि वी कर्व ड्रॉ किया जाता है इन केस ऑफ अल्टरनेटर एंड इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। दोनों के केस में हम ड्रॉ करते हैं वी कर्व, जो कि होता है आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन के बीच में, या कहीं कहीं हम ये भी कहते हैं कि आर्मेचर करंट IA एंड फील्ड करंट के बीच में, क्योंकि एक्साइटेशन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF। तो इन दोनों के बीच में वी कर्व ड्रॉ किया जाता है। और वो कैसा होता है वी कर्व? उसका शेप बिल्कुल ही वी के जैसा होता है, लाइक दिस। और अब पहले हम इन दोनों ग्राफ को लिस्ट 1 के साथ मैच करके देखते हैं। तो सर्कल डायग्राम में हमें कौन कौन सा मशीन मिला था? सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पर देखते हैं लिस्ट 1 में सिंक्रोनस मोटर तो नहीं है बट इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर को हम सर्कल डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज रिलेटेड विथ ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं वीकर। वीकर किस किस मशीन में ड्रॉ किया जाता है? वी कर्व के लिए अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर। लिस्ट 1 को देखिए, सिंक्रोनस मोटर इसमें नहीं है लेकिन अल्टरनेटर गिवन है। तो अल्टरनेटर को हम रिलेट करेंगे वी कर्व से नंबर 2 पे। बच गए 2, इसको भी हम अब देखते हैं। नेक्स्ट देखिए लिस्ट 2 का थर्ड नंबर, इट इज ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक OCC। डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम देखते हैं। दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स ईजी जनरेटर DMF एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट फील्ड करंट IF। इन दोनों के बीच में हम ड्रॉ करते हैं ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक एंड इन केस ऑफ डीसी जनरेटर यहां से स्टार्ट होता है हमारा ग्राफ।
एंड गोज लाइक दिस। सवाल अब ये है कि ये यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है, तो दिस इज नोन एज ई रेसिजुअल। इसका मतलब है जब डीसी जनरेटर में फील्ड करंट इज जीरो, आईएफ एक्सिस पे यहाँ क्या है जीरो, यानी कि जब फील्ड करंट डीसी जनरेटर में जीरो था उस टाइम ऑब्वियस सी बात है कि जब फील्ड करंट ही जीरो है तो उसमें फ्लक्स होगा जीरो, और जब नो फ्लक्स तो नो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, यानी कि ई शुड बी जीरो। बट इन दिस केस यहाँ पर जीरो ईएमएफ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे इतना मैग्नीट्यूड दिस अमाउंट ऑफ ईएमएफ शोन इन दिस ग्राफ। यदि ई इज इक्वल टू जीरो होता तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता, मीन्स इस ओरिजिन से स्टार्ट होता यहाँ से, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि फ्लक्स जीरो नहीं रहा होगा, फ्लक्स की कुछ न कुछ वैल्यू रही होगी। और ये बिल्कुल सही है कि फ्लक्स की कुछ न कुछ वैल्यू होती है, दैट इज फाई रेसिजुअल। कुछ न कुछ रेसिजुअल फ्लक्स होता है डीसी जनरेटर के पोल्स में, और यही रेसिजुअल फ्लक्स हेल्प करता है डीसी जनरेटर के केस में वोल्टेज बिल्डअप करने में, यानी कि वोल्टेज बिल्डअप तभी होता है जब उसमें रेसिजुअल फ्लक्स प्रेजेंट हो, और इस रेसिजुअल फ्लक्स की वजह से स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो, सपोज 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, समथिंग स्मॉल वोल्टेज शुड बी हियर, जबकि फील्ड करंट अभी भी जीरो है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन इज स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे इन केस ऑफ डीसी मोटर। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं कि क्या होगा आंसर। उसके लिए ओसीसी को हम किसके साथ लिंक करेंगे, ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक लिंक विद डीसी जनरेटर, एंड डीसी मोटर इज लिंक्ड विद स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो गया, लेकिन अभी इस स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में देखते हैं। ये है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ। दिस वन एन नॉट इज नो लोड स्पीड, दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट स्पीड एक्सिस एन, एंड एक्स एक्सिस इज टॉर्क एक्सिस। ओके, सबसे फर्स्ट ग्राफ ये, दिस इज फॉर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, दिस इज फॉर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दिस ब्लैक वन इज फॉर शंट मोटर, दिस रेड वन इज फॉर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, एंड दिस ब्लू वन इज फॉर सीरीज मोटर। तो हमने हर तरह के डीसी मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन एक्ट्स एज, एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। तो देखते हैं डीसी मशीन, इन दिस वी हैव जनरेटर एंड we have motor also. In case of DC generator, जो EMF induce होता है in armature winding, वो होता है in the form of AC
अल्टरनेटिंग होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या, अल्टरनेटिंग, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आर लोड विच इज कनेक्टेड टू डीसी जनरेटर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डीसी। तो जो हम कम्यूटेटर यहाँ यूज़ करेंगे इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, उसका क्या काम रहेगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसी, लेकिन हमें चाहिए डीसी के फॉर्म में। तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटर यहाँ पर वर्क कर रहा है एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर, ओके, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है यहाँ इन केस ऑफ डीसी जनरेटर में। वहीं हम देखते हैं इन केस ऑफ डीसी मोटर, जो इनपुट सप्लाई हम देते हैं इन डीसी मोटर, वो होता है इन फॉर्म ऑफ डीसी, बट फॉर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क के लिए डीसी मोटर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है क्या, एसी। इसलिए यहाँ पर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, इस ज़रूरत को फुलफिल करता है कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी मोटर डीसी सिग्नल को एसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि इट वर्क्स एज मैकेनिकल इन्वर्टर, ओके। अब एक और बात कि यहाँ पे मैकेनिकल वर्ड यूज हुआ है, मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल इन्वर्टर, ये इसलिए क्योंकि कम्यूटेटर इज अ मैकेनिकल पार्ट ऑफ मशीन, ओके, नॉट इलेक्ट्रिकल पार्ट। जब आप इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर की बात करोगे तो वहाँ पे आप डायोड यूज कर सकते हो, वहाँ पे एससीआर यूज कर सकते हो, सेम इन्वर्टर के केस में भी होता है, ओके, बट हियर कम्यूटेटर इज अ मैकेनिकल पार्ट ऑफ द मशीन, इसलिए मैकेनिकल रेक्टिफायर एंड मैकेनिकल इन्वर्टर। तो अगर पूछा है डीसी मशीन, जनरल पूछा है डीसी मशीन, ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जनरेटर है या मोटर है, डीसी मशीन के बारे में पूछा, यानी हम दोनों लेकर चलेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में वो मैकेनिकल रेक्टिफायर एज वेल एज मैकेनिकल इन्वर्टर। तो देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन ए कहता है एज अ मैकेनिकल इन्वर्टर, ऑप्शन बी कहता है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी कहता है करंट कंट्रोलर, ऑप्शन डी कहता है ईदर ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि द पर्पस ऑफ यूजिंग डमी कॉइल इन डीसी मशीन इज यूज टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स डेवलप इन द मशीन, एलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन, ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द मोटर। तो जो डमी कॉइल हम यूज करते हैं उनका कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसी भी कॉइल के साथ नहीं होता, देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ डमी कॉइल विथ एनी वाइंडिंग, एनी आर्मेचर वाइंडिंग, कोई भी कनेक्शन नहीं होता, डमी कॉइल इज जस्ट यूज्ड फॉर मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, मैकेनिकल बैलेंस ऑफ रोटर, मैकेनिकल बैलेंस ऑफ दैट बॉडी, ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई इज। तो यहाँ पे पूछा है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज, डीसी शंट, क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, दोबारा इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक डीसी सीरीज मोटर का लाइक दिस, ऐसा होगा
यानी कि इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और डीसी सीरीज मोटर के केस में वी शुड नॉट स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड. नो लोड पे हम इसे स्टार्ट नहीं करते हैं. ये एक्सिस होता है टॉर्क एक्सिस, या फिर आप इसको कह सकते हो लोड एक्सिस भी हो सकता है, यानी कि आर्मेचर करंट एक्सिस हो सकता है. ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब आर्मेचर करंट इज नेग्लिजिबल, यानी कि नियर अबाउट 0 एम्पियर, तो इसकी स्पीड बहुत ही हाई है. एट नो लोड डीसी सीरीज मोटर गेन्स डेंजरसली हाई स्पीड. और यही वजह है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हम नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं. इस पे कुछ न कुछ लोड लगाने के बाद ही हम डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर इज डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. पहले देखते हैं कि लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है. यह ड्रॉ किया जाता है टर्मिनल वोल्टेज वी वर्सेस फील्ड करंट IF व्हेन स्पीड एंड आर्मेचर करंट IA आर मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट. लोड कैरेक्टरिस्टिक को हम लोड सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं. देखते हैं अब इन केस ऑफ शंट जनरेटर. ओके, इन केस ऑफ शंट जनरेटर वी इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज वी इज इक्वल टू ईजी माइनस IARA. यहाँ पर IA होता है आर्मेचर करंट, RA होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी कि IARA इज वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस. और यह ईजी इज ई नॉट माइनस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप. ओके, दिस इज ई नॉट. दिस ई नॉट इज एक्चुअल जनरेटेड EMF, बट वी कंसिडर ईजी एज इंड्यूस्ड EMF. यू नो व्हाई? बिकॉज ईजी इज आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप. मशीन में आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप तो होगा ही, और इस ड्रॉप के कारण ये वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, एंड विच इज ईजी. ओके, ये था टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर. एंड अब देखते हैं फील्ड करंट के बारे में. दिस इज IF. फील्ड करंट की वजह से फील्ड सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा. जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट हमें लेना है. दिस इज वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, एंड हियर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये हो गया V से मिला हमें, और IF से मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस करंट. ओके, तो अब ऑप्शन को रीड करिए कि लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन बी देखिए. ऑप्शन बी कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन. हाँ, हमने देखा है अभी वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू डिक्रीज फील्ड करंट. हाँ, हमने भी देखा है. एंड वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस. यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज इफ द सप्लाई पोलैरिटी टू द आर्मेचर टर्मिनल ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड, इज रिवर्स्ड, इसके आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कर रहा है, तो पूछता है कि द मोटर विल रन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, ये है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. इसमें दिस इज सप्लाई पोलैरिटी,
ऊपर पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्मेचर टर्मिनल, दिस इज आर्मेचर टर्मिनल. आर्मेचर टर्मिनल में जो सप्लाई दिया जा रहा है इस वोल्ट से वी से, इसे रिवर्स करते हैं, यानी कि अब ऊपर में होगा नेगेटिव पोलैरिटी एंड नीचे होगा पॉजिटिव पोलैरिटी. तो पूछता है कि मोटर विल रन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. तो मैं आपको बता दूं कि यही तो कंडीशन है ब्रेकिंग का. और कौन सा ब्रेकिंग? प्लगिंग. ओके, इन केस ऑफ प्लगिंग वी डू दिस टाइप ऑफ कनेक्शन. यानी कि जो पोलैरिटी है आर्मेचर टर्मिनल का उसे हम रिवर्स करते हैं, और यही होता है प्लगिंग टाइप ऑफ ब्रेकिंग. और इसका दूसरा भी नाम है, इस प्लगिंग को हम काउंटर करंट ब्रेकिंग भी बोलते हैं. ये प्लगिंग फास्ट ब्रेकिंग होता है, दिस इज फास्ट ब्रेकिंग. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ पर ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, इसके बारे में भी मैं कुछ बता दूं आपको कि इन केस ऑफ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोटर जब मोटरिंग मोड से ब्रेकिंग मोड में जाता है तो वैसे केस में मोटर के पास पहले से स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है. जब ये एज ए मोटर रन कर रहा होता है उस टाइम इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम इस पे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो यही काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और सप्लाई में वापस चला जाएगा. इसका मतलब इन केस ऑफ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यह मोटर अब सप्लाई को पावर देने लग जाएगा, यानी कि अब ये बिहेव करेगा एज ए जनरेटर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ऑप्शन है डायनेमिक ब्रेकिंग. डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले इस टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू जीरो, V को जीरो करते हैं और एक एक्सटर्नल रियोस्टेट ऐड करते हैं, वही कहलाता है डायनेमिक ब्रेकिंग. और यह डायनेमिक ब्रेकिंग स्लो ब्रेकिंग होता है जबकि प्लगिंग फास्ट ब्रेकिंग होता है. ठीक है, अब लास्ट देखते हैं नॉर्मल मोटरिंग कंडीशन. जब इस मोटर को नॉर्मल सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि दिस फिगर रिप्रेजेंट्स नॉर्मल मोटरिंग मोड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7. अ डीसी सीरीज मोटर हैज एन आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम. इट मींस आर ए इज इक्वल टू 0.06 ओम एंड सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ 0.08 ओम. चूंकि ये डीसी सीरीज मोटर है इसलिए आर्मेचर रेसिस्टेंस एंड फील्ड रेसिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे. आर इक्विवेलेंट यहाँ से होगा 0.14 ओम. ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं हम. द मोटर इज कनेक्टेड टू अ 400 वोल्ट सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है वी इज इक्वल टू 400 वोल्ट. नेक्स्ट देखिए, द लाइन करंट इज 20 एम्पीयर. लाइन करंट की बात कहा है. इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर लाइन करंट एंड आर्मेचर करंट बोथ आर सेम एंड इक्वल टू 20 एम्पीयर एंड ऑब्वियस दिस इज आल्सो इक्वल टू फील्ड करंट. ओके, करंट की वैल्यू दे दिया है 20 एम्पीयर. व्हेन द स्पीड ऑफ द मशीन इज 1100 आरपीएम, यह आई ए इज इक्वल टू 20 एम्पीयर एट स्पीड N1 इज इक्वल टू 1100 आरपीएम. क्वेश्चन में अब पूछता है कि व्हेन द लाइन करंट इज 50 एम्पीयर एंड द एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड बाय 30%, स्पीड ऑफ द मशीन इन आरपीएम इज व्हाट. यानी कि
आई ए इज इक्वल टू जब 50 एम्पियर होगा और एक्साइटेशन इज इंक्रीज बाय 30%, इट मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीज बाय 30%, यानी कि फाइ टू विल बी इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ फाइ वन। इन दिस कंडीशन ये पूछता है कि स्पीड कितनी होगी, यानी कि एन टू इज इक्वल टू वॉट। तो पहले फर्स्ट केस को देखते हैं, ई बी वन यानी कि हम बैक एम एफ निकालते हैं फर्स्ट केस में, ई बी वन इज इक्वल टू वी माइनस आर्मेचर करंट आई ए इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस प्लस फील्ड रेसिस्टेंस आर एफ। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा 400 माइनस 20 इंटू, क्योंकि फर्स्ट केस में आर्मेचर करंट 20 एम्पियर है, हियर आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर, तो 20 इंटू आर ए प्लस आर एफ इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 0.14 ओम, यानी कि 0.14। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 397.2 वोल्ट, यानी कि जब यह मोटर 20 एम्पियर ड्रॉ कर रहा था उस केस में इस मोटर में जो बैक ईएमएफ होगा वो होगा 397.2 वोल्ट। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, उसमें कहता है कि करंट है 50 एम्पियर, आई ए इज इक्वल टू 50 एम्पियर एंड फ्लक्स इज 1.3 टाइम्स ऑफ फाइ वन। ओके, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे बैक ईएमएफ ई बी तो आपको मिलेगा V यानी कि 400 वोल्ट, वो चेंज नहीं हुआ है, माइनस IA हो गया है 50 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस उतना ही है 0.14 ओम, तो यहाँ से आपको मिलेगा 393 वोल्ट। नाउ बैक ईएमएफ होता है EB इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट KN इंटू फाइ फ्लक्स इंटू स्पीड इन RPM। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, सो वी कैन राइट इट एज n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू EB1 अपॉन EB2 मल्टीप्लाई विथ फाइ टू अपॉन फाइ वन। ओके, सो 397.2 डिवाइडेड बाय 393 मल्टीप्लाई विथ 1.3 टाइम्स ऑफ फाइ वन डिवाइडेड बाय फाइ वन, दिस विल बी इक्वल टू n1 अपॉन n2, वेयर n1 की जगह पे भी आप यहाँ पे 1100 पुट कर दो, 1100 RPM है n1 इसकी स्पीड, फाइ वन को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपको n2 यानी कि सेकेंड कंडीशन की स्पीड मिलेगी 837 RPM। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पोल्स ऑफ डीसी मशीन्स आर ऑफन लेमिनेटेड टू रिड्यूस व्हाट। डीसी मशीन्स के पोल्स को हम लेमिनेट करते हैं, क्यों करते हैं, पहले देखते हैं कि पोल्स को लेमिनेट करने से क्या होता है। सपोज दिस इज पोल ऑफ अ मशीन, ओके, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब इसको हम लेमिनेट करके देखते हैं, यहाँ देखिए बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और इसके बीच में इंसुलेशन डाला गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाएगा। देखिए इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, फिर नेक्स्ट इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, जो इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया था वो अब रिड्यूस हो चुका है,
यानी कि लैमिनेटेड कोड में क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होता है। चूंकि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। सो इन केस ऑफ लैमिनेटेड कोर, जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ऑफ द कोर विल बी हाई। सो एडी करंट विल बी लेस एंड दैट्स व्हाई एडी करंट लॉस विल बी रिड्यूस्ड। तो फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, जब हम लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे इन दिस केस क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम होता है, इसकी वजह से रेसिस्टेंस ऑफ कोर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से एडी करंट बहुत ही कम होगा और एडी करंट लॉस कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा, लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन वर्क सेटिस्फैक्टरली ऑन बोथ एसी एंड डीसी? तो इसका आंसर होगा सीरीज मोटर। ओके, सीरीज मोटर के केस में क्या होता है, सीरीज मोटर वर्क करता है ऑन डीसी सप्लाई एंड सिंगल फेज एसी सप्लाई। ओके, थ्री फेज एसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता, दिस इज डीसी एंड सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो इसलिए इसका आंसर होगा सीरीज मोटर, नाइन्थ का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है कि द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल बाय डीसी शंट मोटर इज। हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जितने भी तरह के डीसी मोटर हैं सबका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। वहां से हम लेते हैं डीसी शंट मोटर का, तो दिस वन इज स्पीड एंड हियर टॉर्क। ओके, दिस इज बाउंड्री ऑफ नो लोड स्पीड, दिस इज एन नॉट नो लोड स्पीड, और अगर हम शंट मोटर की बात करेंगे तो दिस इज शंट मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट स्पीड इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि दिस इज नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड इज हाईएस्ट स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इक्वल टू नो लोड स्पीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो मोटर है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करना है। सपोज अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो तो उसके रोटेशन को हमें रिवर्स करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले ये जान लें, कोई भी मोटर रोटेट उसी डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है। यदि हमें मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स करना है। तो एज वी नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप इन द मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू करंट, आर्मेचर करंट। तो ये फ्लक्स और आर्मेचर करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम फ्लक्स को रिवर्स कर दें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क
रिवर्स हो जाएगा और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगा। यदि हम आर्मेचर करंट को रिवर्स कर दें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स हो जाएगा और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगा। लेकिन यदि हम दोनों को रिवर्स कर दें, फ्लक्स और आईए दोनों को रिवर्स कर दें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स नहीं होगा और फिर रोटेशन ऑफ रोटर का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं अब कि यदि हमें फ्लक्स को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे। बाय रिवर्सिंग फील्ड करंट और बाय रिवर्सिंग फील्ड वाइंडिंग। और यदि हमें आर्मेचर करंट को रिवर्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम रिवर्स करेंगे आर्मेचर टर्मिनल को। यानी कि या तो हम फील्ड टर्मिनल को रिवर्स कर दें या फिर हम आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कर दें, तो वैसे केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स होगा और मोटर जिस डायरेक्शन में रन कर रहा होगा उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए इज द आर्मेचर टर्मिनल ओनली। आर्मेचर टर्मिनल रिवर्स करने से रिवर्स तो होता है, बट ये कह रहा ओनली, इसका मतलब सिर्फ हम आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स करने से ही ऐसा कर सकते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। हम फील्ड टर्मिनल को भी रिवर्स करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है ईदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कहता है द सप्लाई टर्मिनल्स। नो, यदि हम सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि फील्ड करंट भी चेंज होगा और आर्मेचर करंट भी चेंज होगा। दोनों के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर चेंज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी कहता है कि द फील्ड टर्मिनल्स ओनली। फिर यहाँ पे इसने ओनली वर्ड यूज़ किया, यानी कि ये कहता है कि सिर्फ फील्ड टर्मिनल को ही रिवर्स करके ऐसा किया जा सकता है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि फील्ड टर्मिनल के अलावे एक और ऑप्शन हमारे पास है जो कि है आर्मेचर टर्मिनल, तो उसे भी रिवर्स करके हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। सो ओवरऑल ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1, जिसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मोटर्स, इसको लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। लिस्ट 2 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मोटर के, एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई फॉर डीसी सीरीज मोटर। और शंट मोटर में क्या होता है, इसके केस में नो लोड पर जो उसकी स्पीड होती है माइनस फुल लोड पे जो उसकी स्पीड होती है, दैट इज वेरी वेरी लेस। यानी कि इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ही कम होता है और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि डीसी शंट मोटर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो मैच करते हैं डीसी सीरीज मोटर, इसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ, एंड दिस वन शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है कि द मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट सूटेड फॉर ट्रैक्शन पर्पस। ट्रैक्शन पर्पस के लिए कौन सा मोटर बेस्ट है, तो आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर ये बेस्ट सूटेबल है फॉर ट्रैक्शन पर्पस। यू नो व्हाई, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी वेरी हाई, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डीसी सीरीज मोटर फॉर ट्रैक्शन पर्पस।
तो आप ऐसा भी कहोगे कि इंडक्शन मोटर के केस में भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो जब मैं इंडक्शन मोटर पढ़ाऊंगा वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि अ लैप वुंड डीसी जनरेटर हैविंग 250 आर्मेचर कंडक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट इसने जो कहा है कि इस जनरेटर में लैप वाइंडिंग है, ओके, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स इसमें है 250। नेक्स्ट क्या कहता है, रन्स एट 1200 आरपीएम, यानी कि स्पीड एन इज इक्वल टू 1200 आरपीएम। नेक्स्ट, इफ द जनरेटेड ईएमएफ इज 200 वोल्ट देन द ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द डीसी जनरेटर इज। इसमें कहता है जनरेटेड ईएमएफ यानी कि ईजी इज इक्वल टू 200 वोल्ट, तो फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर यूज किया है सिर्फ ऑपरेटिंग फ्लक्स, यहाँ पर देना चाहिए ऑपरेटिंग फ्लक्स पर पोल, क्योंकि जो फ्लक्स होता है दिस फाई जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे वो फाई होता है फ्लक्स पर पोल। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्लक्स पर पोल होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। ईजी इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। फाई क्या है, फाई है फ्लक्स पर पोल, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एन है स्पीड इन आरपीएम। अगर ये स्पीड आरपीएम में नहीं होता, रेडियन पर सेकेंड में होता, तो ये फॉर्मूला कुछ चेंज होता। दिस पी इज नंबर ऑफ पोल्स, दिस ए इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में कहा है कि जनरेटर में लैप वाइंडिंग है, तो इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, लेकिन इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा विल बी टू। उसमें नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड नहीं करता है, बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास लैप वाइंडिंग दिया हुआ है तो हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि P और A को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि P और A बोथ आर इक्वल, A इज इक्वल टू P, सो P एंड A बोथ आर कैंसिल आउट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट इजी इज इक्वल टू फाइ जेड एन अपॉन 60। यहाँ से हमें फाइ की वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं फाइ इज इक्वल टू कितना होगा। होगा इजी मल्टीप्लाई विथ 60 डिवाइडेड विथ जेड इंटू एन, यानी कि फाइ इज इक्वल टू इजी 200 मल्टीप्लाई विथ 60 डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू है 250 और एन स्पीड की वैल्यू है 1200 आरपीएम। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.04 वेबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये जो ऑप्शन बी है दिस इज फ्लक्स पर पोल। ओके, फ्लक्स पर पोल 0.04 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। इन केस ऑफ डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, मींस सेम आर्मेचर करंट आई ए विल फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम। जब इंटरपोल वाइंडिंग में करंट की वैल्यू आई ए है तो क्या होगा उसका एमएमएफ? एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल विल बी एन इंटू आई ए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन इंटरपोल वाइंडिंग।
तो ऑप्शन में देखते हैं, द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर्मेचर करंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16. ये कहता है कि इन स्विनबर्न्स मेथड ऑफ टेस्टिंग डीसी मशीन द शंट मशीन इज रन एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्विनबर्न टेस्ट डीसी मशीन में जो करते हैं, दिस इज अ नो लोड टेस्ट, बिकॉज नो लोड पे यह टेस्ट किया जाता है. और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे वो जनरेटर हो या फिर वो मोटर हो, दोनों को हम रन कराते हैं एज अ मोटर. और कौन सा मोटर, एज अ शंट मोटर. ओके. और इसकी क्या कंडीशन होती है, जब उसको हम शंट मोटर की तरह रन कराते हैं तो इस मोटर को हम सप्लाई देते हैं रेटेड वोल्टेज वी से, यानी कि जो उसका सप्लाई होना चाहिए वो रेटेड होना चाहिए और जो उसको रन कराएंगे वो रेटेड स्पीड पे होना चाहिए. ओके. स्पीड भी रेटेड और सप्लाई वोल्टेज भी रेटेड. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विनबर्न टेस्ट एक नो लोड टेस्ट है, तो जाहिर सी बात है इस पे जो लोडिंग होगी वो नो लोड, यानी कि इस पे इसको नो लोड पे हम रखेंगे. अच्छा, ये तो हो गया स्विनबर्न टेस्ट के बारे में. अब हम देखते हैं कि इससे हमें मिलता क्या है. स्विनबर्न टेस्ट से हमें पता चलता है रोटेशनल लॉस के बारे में. ओके. ऑप्शन डी, मोटर एट नो लोड, रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17. द ब्रशेस ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन. तो ये देखिए, दिस इज अ डीसी मशीन. ओके. यहाँ पर होगा कुछ आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे होंगे कुछ पोल्स और यहाँ पर कनेक्टेड है दिस इज कॉमुटेटर, और इस कॉमुटेटर के करीब होता है ब्रश. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रशेस आर फिजिकली प्लेस्ड ऑन कॉमुटेटर इन द पोलर एक्सिस. ओके. दिस इज डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस, इसी को कहते हैं पोलर एक्सिस, एंड अदर इज क्यू एक्सिस या इंटरपोलर एक्सिस. तो यहाँ पर डी एक्सिस के अलोंग ब्रशेस को रखा जाता है और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फिजिकली. और अगर फिजिकली नहीं होता वहाँ पे, अगर होता फंक्शनली, क्योंकि दोनों में बहुत ही फर्क है. फंक्शनली अगर हम इसे देखें तो ऑन आर्मेचर इन द इंटरपोलर एक्सिस, ऑन आर्मेचर इन द ऑन इंटरपोलर एक्सिस, यानी कि ऑप्शन बी होगा इन केस ऑफ फंक्शनली. ये हम एज ए सिंबल यूज करते हैं इन फिगर, वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, और इसी को हम कहते हैं कि दिस इज फंक्शनली. तो फंक्शनली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रशेस आर ऑन द आर्मेचर इन इंटरपोलर एक्सिस. व्हाट इज दिस एक्सिस, दिस एक्सिस इज क्यू एक्सिस, यानी कि इंटरपोलर एक्सिस. ओके. तो अब क्लियर हो गया होगा फिजिकली कहाँ प्लेस्ड करते हैं और फंक्शनली हम कहाँ प्लेस्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18. ये कहता है कि डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पीयर, इस पॉइंट को नोट करिएगा, 500 एम्पीयर एट 220 वोल्ट एंड दिस इज डिलीवरिंग. नेक्स्ट, द शंट फील्ड करंट इज 10 एम्पीयर, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.01 ओम, द स्ट्रे पावर लॉस इज 5000 वॉट, यानी कि 5 किलो वॉट.
देन द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इज व्हाट। यहाँ देखिए, दिस इज अ डीसी शंट जनरेटर और क्वेश्चन में कहा था कि डिलीवरिंग 500 एम्पीयर, दिस इज डिलीवरिंग 500 एम्पीयर एट 220 वोल्ट, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड डिलीवरिंग करंट इज 500 एम्पीयर, यानी कि यहाँ का करंट होगा 500 एम्पीयर। या क्वेश्चन में अगर लोड करंट मेंशन होता तो भी ये 500 एम्पीयर यहाँ पे लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे होता है लोड करंट। और अगर क्वेश्चन में होता आर्मेचर करंट इज 500 एम्पीयर तो यहाँ का करंट, दिस करंट आर्मेचर करंट विल बी 500 एम्पीयर, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में कहता है कि डिलीवरिंग 500 एम्पीयर, इट मींस ये लोड करंट है और ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है कि शंट फील्ड करंट इज 10 एम्पीयर, यानी कि इस फील्ड में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी 10 एम्पीयर। तो यहाँ से हम फील्ड का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड करंट इज 10 एम्पीयर, सो रेसिस्टेंस विल बी 220 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 22 ओम होगा शंट फील्ड रेसिस्टेंस। ओके, अब अगर पूछें आपसे कि बताओ आर्मेचर करंट कितना होगा तो आप कितना बताओगे, 500 एम्पीयर प्लस 10 एम्पीयर, यानी कि आर्मेचर करंट विल बी 510 एम्पीयर। ओके, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो उसके लिए हमें लॉस चाहिए। टोटल लॉस के लिए हम बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा लॉस होगा। तो सबसे पहले इस फील्ड में, फील्ड वाइंडिंग में कितना लॉस होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पीयर और रेसिस्टेंस है 22 ओम, तो इसमें होगा पावर लॉस आई स्क्वायर इंटू आर, फील्ड करंट है इसलिए आई एफ स्क्वायर इंटू आर एस एच, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 22, इट मीन्स 2200 वॉट, 2.2 किलो वॉट, इतना लॉस होगा इसके फील्ड वाइंडिंग में। अब देखते हैं आर्मेचर में कितना होगा पावर लॉस, तो आर्मेचर रेसिस्टेंस गिवन इज 0.01 ओम एंड करंट इज 510 एम्पीयर, सो पावर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग इज आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, आई ए कितना है 510 स्क्वायर इंटू 0.01 ना, यस, इट मीन्स इट विल गिव यू 2.601 किलो वॉट। नेक्स्ट हम आउटपुट पावर कैलकुलेट करते हैं, तो आउटपुट पावर कितना होगा, यह जनरेटर 220 वोल्ट पे 500 एम्पीयर डिलीवर कर रहा है, इट मीन्स आउटपुट पावर विल बी 220 मल्टीप्लाई विथ 500, इट मीन्स 110 किलो वॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज स्ट्रे पावर लॉस 5 किलो वॉट। व्हाट इज दिस स्ट्रे पावर लॉस, दिस इज अ कांस्टेंट लॉस, तो हमारे पास कांस्टेंट लॉस है 5 किलो वॉट। हमारे पास आर्मेचर में कॉपर लॉस हुआ है 2.601 किलो वॉट, फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस हुआ है 2.2 किलो वॉट, तो टोटल लॉस आपको पता ही है, इन तीनों को ऐड करना है और फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, जितने भी लॉस हैं। ओके, आउटपुट आप देख लोगे कितना 1110 किलो वॉट डिवाइडेड बाय आउटपुट 1110 किलो वॉट प्लस
टोटल लॉस यानी कि 5 किलोवाट प्लस 2.601 किलोवाट प्लस 2.2 किलोवाट, इन सब को ऐड करने के बाद आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज एफिशिएंसी एंड दैट विल बी 91.82%, ऑप्शन डी 91.82%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कि द कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम पावर आउटपुट, क्या मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मोटर, डीसी मोटर के केस में बैक ईएमएफ शुड बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज बाय 2 V/2। ये कंडीशन होता है मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि अ 4-पोल 1200 RPM डीसी लैप ओन्ड जनरेटर हैज 1220 कंडक्टर्स इफ द फ्लक्स पर पोल, हाँ यहाँ देखिए फ्लक्स पर पोल यूज किया है, यानी कि फाइव पिछले क्वेश्चन में सिर्फ फ्लक्स दिया था, यहाँ पे सही यूज किया है फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर, द ईएमएफ ऑफ जनरेटर इज, तो ईएमएफ कितना होता है, ईजी इज इक्वल टू 5 ZNP/60A। यहाँ पर लैप उन दिया है यानी कि लैप वाइंडिंग, इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ए इज इक्वल टू पी, यानी कि यहाँ पे पी और ए को यदि कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, फ्लक्स पर पोल 5, नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड, स्पीड इन आरपीएम एन अपॉन 60। इसमें आप वैल्यू को पुट करो, फ्लक्स की वैल्यू क्या है पर पोल 0.01, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं 1520, स्पीड इन आरपीएम कितना है 1200 डिवाइडेड बाय 60। यहां से आपको आंसर मिलेगा 304 वोल्ट, 304 वोल्ट इसका जनरेटेड ईएमएफ होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है इंटरपोल्स आर मीन्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, डीसी मशीन में इंटरपोल्स हम क्यों यूज करते हैं, यूज टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, इट इज रिवर्सल ऑफ करंट इन अ क्वाइल व्हेन इट क्रॉसेस द क्यू एक्सिस। अगर यह एक रोटर है और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं इन रोटर एंड दिस वन इज क्यू एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ रोटर इज क्लॉकवाइज, तो अगर इस क्वाइल में जहाँ पे मेरा कर्सर है इस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन अगर क्रॉस है, आफ्टर क्रॉसिंग द क्यू एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट क्वाइल शुड बी डॉट। ओके, यही होता है करंट रिवर्सल, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम कम्यूटेशन। और इम्प्रूव कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है स्पार्कलेस कम्यूटेशन। ड्यूरिंग कम्यूटेशन स्पार्किंग अकर्स बिटवीन आउटगोइंग कम्यूटेटर सेगमेंट एंड ब्रश, दिस इज कम्यूटेटर सेगमेंट 1, दिस वन इज कम्यूटेटर सेगमेंट 2, दिस इज ब्रश एंड दिस वन इज माइका इंसुलेशन विच सेपरेट्स बोथ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो कम्यूटेटर है वो इस डायरेक्शन में
मूव कर रहा है बट ब्रश इज स्टेशनरी, ब्रश तो फिक्स होता है, तो कम्यूटेटर के इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से पहले ब्रश यहाँ पे 2 के साथ टच कर रहा होगा, उसके बाद ये 1 पे आया है, यानी कि 2 इज आउटगोइंग कम्यूटेटर सेगमेंट एंड 1 इज इनकमिंग जिस पे ये अभी है. ओके, तो ड्यूरिंग कम्यूटेशन आउटगोइंग कम्यूटेटर सेगमेंट यानी दिस सेगमेंट एंड ब्रश के बीच में स्पार्क होता है. हियर स्पार्किंग इज प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ एयर. यहाँ पे मौजूद एयर का आयोनाइजेशन होता है, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस में टूटते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे स्पार्किंग होता है. और जब हम बात करते हैं इम्प्रूव कम्यूटेशन मीन्स स्पार्कलेस कम्यूटेशन, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे होने वाले स्पार्किंग को कम करना. तो इंटरपोल्स कुछ वैसा ही काम करता है, वो इस स्पार्किंग को कम करने में हेल्प करता है. इंटरपोल्स के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि ये प्लेस्ड होता है अलोंग क्यू एक्सिस यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस, या इसको इंटरपोलर एक्सिस भी कहते हैं. तो ये इंटरपोल इंटरपोलर एक्सिस पर होता है. ओके, अब हम ऑप्शंस को रीड करते हैं कि इंटरपोल्स आर मीन्ड फॉर व्हाट. तो ऑप्शन डी देखिए, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22. फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर्स इज यूज्ड. सीरीज जनरेटर, जनरेशन नहीं होगा, जनरेटर, शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट. तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि डीसी शंट जनरेटर इज यूज्ड. जैसे डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ाने से भी उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती थी, सेम उसी तरह से शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने से इसका आउटपुट वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और इसीलिए हम इसे बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज. मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिस्कस किया था स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, वहाँ पे आप देखोगे कि डीसी सीरीज मोटर के केस में कर्व कुछ ऐसा बनता है. दिस इज स्पीड एंड दिस वन इज टॉर्क, या फिर ये एक्सिस को हम लोड भी कह सकते हैं, लोड एक्सिस. तो एट नो लोड, नो लोड स्पीड की बात करें, नो लोड मीन्स इन दिस साइड जब हम बढ़ेंगे तो हमें स्पीड कैसा मिलेगा, वेरी वेरी हाई, वेरी डेंजरस स्पीड वी गॉट. ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24. ये कहता है कि फॉर ट्रैक्शन वर्क के लिए विच मोटर इज प्रीफर्ड. तो हमने पहले भी बताया फॉर ट्रैक्शन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज मोटर. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25. ये कहता है विच मोटर हैज़ वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर स्पीड कंट्रोल. किस मोटर के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए? तो आंसर होगा शंट मोटर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल हम कैसे करते हैं? मेथड 1 हम कह सकते हैं कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल. इस केस में हम
स्पीड को बिलो द रेटेड स्पीड कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल। इस केस में हम क्या करते हैं, फील्ड को वीक करते हैं यानी कि फ्लक्स की वैल्यू को कम करते हैं, जिसकी वजह से स्पीड की वैल्यू बढ़ता है। सो हम कह सकते हैं कि इस मेथड से हम स्पीड को अबव द रेटेड वैल्यू पे कंट्रोल करते हैं। और हमारे पास एक थर्ड मेथड भी है जिसका नाम है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। ये एक टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल है, यानी कि वी को इसमें हम कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और इस केस में हम स्पीड को बिलो द रेटेड स्पीड पर भी कंट्रोल करेंगे और अबव द रेटेड स्पीड पर भी हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता है कि टू डीसी सीरीज मोटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस टॉर्क टी। नाउ इफ द मोटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टॉर्क विल बी व्हाट। यहाँ देखिए, दिस इज अ सीरीज मोटर, इसमें फील्ड वाइंडिंग दिस वन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, क्वेश्चन का जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें कहता है कि इस तरह के दो सीरीज मोटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज फर्स्ट सीरीज मोटर एंड दिस वन इज सेकेंड सीरीज मोटर। इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे केस में जो सीरीज मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज टी, यानी कि एक मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा टी और दूसरे मोटर में भी सेम टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज टी। तो यहाँ पर देखिए, इस कनेक्शन को हमने सप्लाई वी से कनेक्ट किया और इसमें करंट आई ए फ्लो करेगा। मोटर वन मोटर टू दोनों का करंट विल बी आई ए इन दिस केस, चूंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इन टू करंट। सो इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। कि इस केस में हर एक मोटर में जो करंट है दैट इज आई ए एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज टी। फिर हम दूसरे सिचुएशन को देखते हैं जहां हमें दोनों सीरीज मोटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो यहां पर भी सप्लाई वोल्टेज विल बी वी, जो कि हमने पहले वाले सिचुएशन में दिया था, और यहां से करंट होगा आई ए। सो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आई ए बाय टू एंड हियर आई ए बाय टू। यानी कि इस केस में मोटर वन में आई ए बाय टू करंट फ्लो करेगा और मोटर टू में भी आई ए बाय टू करंट फ्लो करेगा। अब देखते हैं कि जब मोटर में आई ए बाय टू करंट हो तो उसका टॉर्क कितना होगा। एज वी नो कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर इन द केस ऑफ सीरीज मोटर। सो यहाँ पर आई ए बाय टू का स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉर्क विल बिकम टी बाय फोर इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टी बाय फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। विच डीसी मोटर इज जनरली प्रिफर्ड फॉर क्रेन्स एंड हॉर्स। ओके, कौन सा मोटर हम यूज करते हैं। यहाँ पे सीरीज मोटर ही यूज होगा बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और कहाँ यूज होता है सीरीज मोटर, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सीरीज मोटर ट्रैक्शन पर्पस के लिए भी यूज होता है इन रेलवेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है कि फोर अ सिक्स पोल डीसी मशीन विथ
wave wound armature, the number of brushes required is. Number of brushes will be equal to number of parallel paths. अगर हमारे पास wave winding हो, तो wave winding के केस में number of parallel paths यानि A will be equal to 2 always. चाहे कितने भी number of poles हों इसमें, wave winding के केस में number of parallel paths हमेशा 2 ही होगा. But in case of lap winding, number of parallel paths will be equal to number of poles. तो इस question में कहता है कि किस तरह की winding है? Wave winding है armature में. तो armature में wave winding है, इसलिए number of parallel paths is equal to 2. यहाँ पे आप लिखोगे 2. So number of brushes will be equal to 2. Option A is correct. But अगर यह wave winding नहीं होता, अगर ये lap winding का केस होता, तो वैसे केस में number of parallel paths हो जाता equal to number of poles, यानी कि यहाँ पे 6 pole दिया हुआ है, तो number of parallel paths होते 6, तो number of brushes भी हो जाता 6, यानी कि option C होता correct in case of lap winding, but in case of wave winding, option A is correct. Okay? देखते हैं अब question number 29. ये कहता है कि function of interpoles in a DC machine is to what? Interpoles use किया जाता है to improve commutation. Okay? So, इसमें answer will be B. एक और बात बता दूं interpoles के बारे में. Interpoles को हम COM poles भी कहते हैं. Why COM? What is COM? COM stands for commutation. Okay? ये commutation को improve करता है, इसलिए इसका नाम हुआ COM poles. Now, next question देखते हैं. Question number 30. And this question will be the last question of this class. ये कहता है कि the commutator segments of DC machine are made of what? तो आंसर होगा hard drawn copper. Okay? Commutator segments are made of hard drawn copper and these segments are insulated by 0.8 mm thickness of micanite. ये है commutator segment 1, this is second segment and this one is third segment. तो इनके segments के बीच में 0.8 mm का हम micanite insulation use करते हैं. Okay? और ये जो material होता है जिसे commutator segment बना होता है, that is made of hard drawn copper. Commutator segment के बारे में एक और information मैं आपको दे दूं कि number of commutator segments is equal to number of coils. चाहे armature winding lap wound का हो या फिर wave wound का हो, ये relation हमेशा valid होता है. So, आज की class में बस इतना ही. यदि आपको यह video अच्छा लगे तो like करें, share करें. यदि अच्छा नहीं लगे तो आप comment में यह जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.